हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, बिग बॉस खत्म हो गया है लेकिन बिग बॉस का फीवर अभी भी चल रहा है। आपको बताते हैं कि बिग बॉस के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट थे उनको कितने से कितने रुपए मिले हैं। जो जीते हैं वो तो एक अलग ही बात है। जी हां, सिद्धार्थ शुक्ला 50 लाख के साथ ट्रॉफी ले गए हैं और उसके साथ काफी कुछ उन्हें मिला है। लेकिन वो जब तक घर में थे और घर में रहने के कलर्स ने उन्हें कितने पैसे दिए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ बाकी कंटेस्टेंट ने कितना चार्ज किया है वो भी बताएंगे। लेकिन आपको उसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, दबाना होगा घंटे का बटन ताकि आपको मिल सके सारी नोटिफिकेशन। वेल दोस्तों, आपको बताते हैं कि घर के अंदर रहने के लिए कंटेस्टेंट्स को पैसे मिलते हैं। जी हाँ, वो साइनिंग अमाउंट साइन करने के बाद ही घर के अंदर एंट्री करते हैं। आप सबको तो मालूम ही है कि ये वाला सीजन यानी कि बिग बॉस सीजन 13 एक्सटेंड किया गया है और इसी तरह से एक्सटेंड करने पर पैसे भी बढ़ाए गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे घर के अंदर किसको दिए गए। जी हाँ, आप नाम सुनकर हैरान रह जाएंगे, वो है रश्मि देसाई। जी हाँ दोस्तों, रश्मि देसाई को घर में रहने के लिए 2.50 करोड़ मिले हैं। वहीं शो के हिटमैन यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला, जिन्होंने शो को काफी टीआरपी दी है, उनको 2.10 करोड़ दिए गए हैं और साथ ही साथ वो विनर की ट्रॉफी और 50 लाख अलग से लेकर गए हैं। यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला तो मालामाल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि विशाल आदित्य सिंह घर के अंदर एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर गए थे। वहीं घर के अंदर उन्होंने फ्राई पैन से काफी मार भी खाई और जिसके लिए उन्हें मिले हैं 60 से 65 लाख के बीच में। साथ ही साथ माहिरा शर्मा, जो घर की मसला गर्ल थी, उनको 90 से 95 लाख के बीच में कलर्स टेलीविजन ने दिया। और वहीं आबरा का डाबरा पारस छाबड़ा को मिले हैं 70 लाख। साथ ही साथ आरती सिंह ने भी 60 से 65 लाख के बीच में ही चार्ज किया है और सना को 56 लाख दिए गए हैं, जो काफी नाइंसाफी है क्योंकि घर का असली कंटेंट तो शहनाज ने ही दिया था। उसके बावजूद भी उन्हें इतनी कम रकम दी गई जो काफी जस्टिफाइड नहीं है। अब बात करेंगे असीम रियाज की, तो घर में रहने के लिए असीम रियाज को मिले हैं 35 लाख के अराउंड, जो काफी कम रकम है और वो फर्स्ट रनर अप भी रहे हैं। ऐसे में उनको कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ है लेकिन काफी बड़ी फैन फॉलोइंग बन गई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसी लगी है ये वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।